हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस, स्वागत करती हूँ आप सबका। इसमें देखेंगे वो पर्सन आपके बिना कैसे जी रहे हैं, जो आज आपके लाइफ में नहीं हैं, जिनसे आप टच में नहीं हो, कांटेक्ट में नहीं हो, जिनसे आप अलग हो चुके हो, वो पर्सन आपसे अलग हो चुके हैं। ठीक है, किसी तरह का कोई टच नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है, टोटली आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेटेड हो। ये कोई भी हो सकते हैं, रोमांटिक है या नहीं है, कोई भी हो सकते हैं। तो ये व्यक्ति आपके बिना कैसे जी रहे हैं, इनकी ज़िंदगी, इनके लाइफ में क्या हो रहा है जब आप नहीं हो, जब आप दोनों कांटेक्ट में, टच में नहीं हो, यही जानने की कोशिश करेंगे। और इनके साथ आपका नेक्स्ट क्या पॉसिबल है, क्या हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। फोकस इस पर्सन पर बना कर रखिएगा, साथ में यूनिवर्स से प्रेज ज़रूर कर लीजिएगा। ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। क्या हाल है इनका आपके बिना? ये जो पर्सन है कैसे जी रहे हैं आपके बिना, हाल क्या है इनका आपके बिना? ओके, बियॉन्ड इल्यूजन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं क्या? ठीक है, स्पेशली पाइसेस हो सकते हैं। ओके, आपके लिए 20 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनसे रिलेटेड हो सकता है। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ आपसे ब्रेकअप के बाद या आप दोनों के बीच फाइट के बाद, जब आप दोनों के रिश्ते में टावर मोमेंट आया, चीज़ें ख़राब हुई, तहश नहश हुई, उसके बाद ये व्यक्ति खुद को, अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनकी पूरी कोशिश है अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाए, हैप्पीनेस लाए, ये खुद को बदल रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनको बदलते हुए आप देखो। ठीक है, खुद में पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, इनके थॉट्स में काफ़ी चेंजेस आई है। ये पर्सन मुझे काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हुए दिखाई दिए हैं। आप दोनों के टावर मोमेंट का इन पर इतना इफेक्ट हुआ है ना, कि ये व्यक्ति स्पिरिचुअल हुए हैं, ऑलरेडी थे तो और भी ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, खुद को नेचर के क्लोज रखना, यूनिवर्स के क्लोज जाना, यूनिवर्स से बातें करना, भजन सुनना, सत्संगत में जाना, मुझे इस व्यक्ति की एनर्जी दिखाई दिया है। ठीक है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये ना अपना दिमाग काफ़ी लगाते थे आपके रिश्ते में, इन्होंने काफ़ी अपना दिमाग का यूज़ किया है, काफ़ी लॉजिक लगाया है, बट इनकी फीलिंग्स ऐसा ना कि मैं खुश नहीं हूँ जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ इस कनेक्शन में, मैं इससे खुश नहीं हूँ, तो आखिर मुझे चाहिए क्या एक्चुअल में? ऐसा लगता है कि मैं खुद के बारे में जानते ही नहीं हूँ या जानती नहीं हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज़ में सुकून मिल रहा है, बस बेकरारी है, बेचैनी है, ऐसा लगता है कि कुछ बहुत कीमती चीज़ दूर हो गया है, जो लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा था वो अब नहीं है लाइफ में। ये व्यक्ति आपको लेकर पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हैं, कि व्यक्ति आपको लेकर होपफुल हैं, इनको किसी बात को लेकर पछतावा है, रिग्रेट है कि पहले मुझे अवेयरनेस क्यों नहीं थी, मैं क्यों पहले अवेयर नहीं था इस रिश्ते को लेकर, क्यों मैंने गलतियां कर दिया, कर बैठा, कर बैठी, क्यों मुझसे वो सारी गलतियां हो गई जिससे वो मुझसे आज दूर हो गई है, दूर हो गया है। चाहे ये आपके फ्रेंड हैं, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हैं, कोई भी हैं सर, ठीक है, किसी बात को लेकर ये काफ़ी गिल्टी हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, फिर भी मैं इनकी एनर्जी ऐसा देख पा रही हूँ, अगर हमारा रिश्ता चल नहीं पा रहा था तो कम से कम दोस्ती का रिश्ता रखना चाहिए था, दोस्ती ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी, कहना चाहिए था मुझे कि फ्रेंड्स बनकर रहते हैं,
अगर हम इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मुश्किल हो रहे हैं, तो चलो दोस्ती करते हैं, दोस्ती रखते हैं। कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, इनके बातों में नहीं आना चाहिए था, मैंने यहाँ यहाँ पर ये गलतियाँ किया हैं। तो ये आपके पर्सन के नज़र मुझे दिखाई दिया है, ये व्यक्ति खुद को हिल करने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनके फीलिंग्स ये है कि जैसा कनेक्शन इन्होंने आपके साथ डेवलप किया था, बनाया था, जैसे फ्रेंडशिप में आपके साथ थे या रिलेशनशिप में, वो किसी और के साथ बन नहीं पा रही है, बन नहीं पाती। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों ही खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप दोनों ही दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे हो, पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, भेज रहे हो, अफर्मेशन भेज रहे हो एक दूसरे को लेकर। जो गिला शिकवा है वहाँ पर आपने पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किया है दोनों ने ही। मैं ऐसा देख पा रही हूँ आप दोनों ही अपने इंट्यूशन का सुनना चाहते हो और रिश्ते को हील करना चाहते हो, कहीं ना आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरापन फील कर रहे हो, ठीक है। ये चाहते हैं वापस से आपकी लाइफ में एंट्री करें पर इनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यूनिवर्स का सहारा ले रहे हैं ये व्यक्ति, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको नहीं पता है फिर भी ये व्यक्ति चाहते हैं आपको अट्रैक्ट करना, आप इनकी ओर आओ, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है आपसे बात करने का, आपके लाइफ में एंट्री करने का, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ना, हिम्मत नहीं रहे दोबारा पीछे मुड़कर देखने का, दोबारा आने का। जब एक बार आगे बढ़ गए या रिश्ते को ख़राब कर डाले तो वजह कोई भी हो, इनसे गलती हुआ है नहीं हुआ है, या दोनों ने ही गलती कर बैठे, या गलत फहमी आ गया, जो भी हो, इनमें हिम्मत नहीं है। पर हाँ, आपको मेष करते हैं, याद करते हैं, गिल्टी हैं, रिग्रेट है यहाँ पर, अफसोस है और डिज़ायर्स है वापस से फ्रेंडशिप का, बदलाव का। इनके एक्शन क्या हो सकते हैं, इनके साथ नेक्स्ट क्या होगा, खुद को अलोन पाते हैं, तन्हा पाते हैं आपके बिना, अपने काम से काम रखते हैं, पर हाँ आपको हर दिन ज़रूर याद करते हैं। इनको अफसोस होता है, आपको याद करते ही एक गिल्ट होता है। तो नेक्स्ट क्या होगा इनको और आपके बीच, नेक्स्ट क्या होगा। यूनिवर्स क्लियर कीजिए मुझे, ये पर्सन तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि ये पॉजिटिव हैं, इनको लगता है कहीं ना कहीं कुछ न्यू स्टार्ट होके आप दोनों के बीच फाइट है ख़त्म होगी, चीज़ें क्लियर होगी। ये नहीं भग सकते इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, या आप नहीं भग सकते। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई एक पर्सन कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, ये करेगा, या तो ये करेंगे या तो आप करोगे। जो पर्सन इस रिश्ते से भगा था या जो इस रिश्ते से गया है, वही व्यक्ति स्टार्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यही मुझे स्टार्ट करते हुए दिखाई दिए हैं, मुझे किसी और को कंसल्ट करते हुए दिखाई दिए हैं, गुरु या टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर। अगर ये लव पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, तो किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते मुझे दिखाई दिए हैं कि आगे कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं। मुझे शादी भी दिखाई दी इस कनेक्शन में, अगर आप दोनों चाहते थे तो। आप दोनों मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, मंदिर मस्जिद होली प्लेस पर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है।
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों साथ में आ रहे हो। तो ये मुझे इनका एक्शन दिखाई दिया है, नेक्स्ट ये होगा आपके रिश्ते में, ठीक है। जो पर्सन इस रिश्ते से मूव ऑन किया था, लेट गो किया था, वही स्टार्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।